हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में टिकटों पर मंथन के बीच विधानसभा सीटों का गुणा गणित तैयार कर लिया है। इस बार कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए गैर जाट वोट बैंक पर ज्यादा फोकस करेगी। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार टिकट आवंटन में जाट कोटे के चेहरों की टिकट भी काटेगी। इसके अलावा 2019 के विधानसभा चुनाव में जमानत नहीं बचा पाने वाले उम्मीदवार भी पैनल से बाहर किए जाएंगे। साथ ही ब्राह्मण, पंजाबी, वैश्य और राजपूत के टिकट कोटे में इजाफा करेगी। कांग्रेस ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 27 हलकों में अपनी जमानत जब्त करवाई थी। इसके अलावा 15 प्रत्याशी ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने लगातार 2 हार अपने खाते में दर्ज करवा ली है। इनमें कई के नाम ये दोनों ही रिकॉर्ड दर्ज है। कांग्रेस नेतृत्व लोकसभा चुनावों की तर्ज पर इस बार विधानसभा में भी सोशल इंजीनियरिंग के तहत टिकट देने के पक्ष में है। अगर इस तरह का निर्णय कांग्रेस ने लिया तो फिर प्रदेश में 2019 के मुकाबले इस बार जाट उम्मीदवारों की संख्या कम हो सकती है। आमतौर पर कांग्रेस 28 से 30 जाट नेताओं को टिकट देती रही है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस 4 जाट उम्मीदवार उतारती रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में 2 ही जाट नेताओं को टिकट मिली है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा और हिसार से जयप्रकाश यानी कि जेपी को टिकट मिली। दोनों ही चुनाव जीतने में ही कामयाब रहे। प्रदेश में विधानसभा की 90 सीटों में से 17 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। हरियाणा कांग्रेस में आमतौर पर मौजूदा विधायकों को लेकर सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला लागू होता रहा है। इसके तहत मौजूदा विधायकों और बड़े चेहरों के नेताओं के प्रिय नेताओं को टिकट मिल जाती थी। इस फॉर्मूले से हमेशा से ही पार्टी को नुकसान हुआ है। 10 सालों से इस कारण से पार्टी प्रदेश की सत्ता से बाहर है। इस कारण से इस फॉर्मूले में भी पार्टी तौबा करेगी। अगर ऐसा होता है तो पार्टी के मौजूदा 28 विधायकों में से 8 से 10 की टिकट कट भी सकती है। कांग्रेस 73 सीटों को लेकर अपना गणित सेट करने में जुटी है। अभी तक के मंथन में ये बात सामने आई है कि पिछड़ा वर्ग बी के अलावा BCA के अंतर्गत आने वाली जातियों को इस बार टिकट आवंटन में पहले से अधिक तवज्जो मिल सकती है। इसके लिए ब्राह्मण, पंजाबी, वैश्य और राजपूत कोटे में इजाफा संभव है। रोड के अलावा सिख कोटे में भी इस बार बढ़ोतरी संभव है। तो ऐसे में हरियाणा में कांग्रेस में अभी 2 गुट एक्टिव हैं। एक गुट भूपेंद्र हुड्डा तो दूसरा कुमारी शैलजा व रणदीप सिंह सुरजेवाला का है। ये दोनों नेता अपने साथ जुड़े उनके समर्थक भी टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। उन्हें अपने नेताओं पर विश्वास है कि वो टिकट के लिए उनकी पूरी मदद करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के टिकट आवंटन में कोटा सिस्टम चला था। हालांकि आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को ये भी कहा है कि अगर वो राजी नहीं होते हैं तो फिर हाईकमान अपने स्तर पर टिकट बांटेगा। इसे देखते हुए दोनों के बीच सहमति की चर्चा हुई है, जिसमें हुड्डा कुछ सीटें शैलजा के लिए छोड़ने पर राजी हो गए हैं। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।